हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, साइंस के मटेरियल्स मैं आपको कल से ही प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा है, कई बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं और कहते हैं मैम ये प्रोवाइड करा दो, प्लीज़ ये प्रोवाइड करा दो, तो प्लीज़ बेटा आप डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक पड़ा हुआ है पंजाब अपडेट का, तो वहाँ पे पीएससी भी अपडेट, तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगी, नहीं तो आप चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। और अब जो है ये वीडियो, कल मैंने आपको जो सैम्पल पेपर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए थे और लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो रही थी, ठीक है। तो आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पहले इंपॉर्टेंट आपको बता दिए थे, अब जो सैम्पल पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सारे बच्चे एक जैसे ही, देखो आंसर जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना वो तो हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ ना, और पंजाबी थोड़ा सा मेरे से बाहर है, मैं पंजाबी में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। मैं इसको आपको बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है आप सुनो, आपको समझ आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो अगर बहुत ज़्यादा नीड होगी, क्योंकि हिंदी मीडियम की गैदरिंग जो है चैनल पे कम है तो उस पे व्यूज़ वगैरह कम आते हैं, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, फिर मैं अलग से हिंदी मीडियम की वीडियो बना दूंगी। बट आप इन क्वेश्चनों को सुनना, आपको समझ आएगा क्योंकि मैंने हिंदी में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए, ठीक है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन जो है आपके इंटरनल चॉइस में आएंगे, ठीक है, 4 मार्क्स के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसको उसका फंक्शन बताना है और बताना है कि इस प्रोजेक्शन को जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है उसका नाम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो बच्चों, द लिनिंग जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, म्यूकस विद हेल्प द डाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, मतलब जैसे उंगलियां होती है ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको विली कहते हैं, और वो क्या करती हैं, जो भी हमारा फूड होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। मतलब कहते हैं हमारी बॉडी में जितना भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है ना, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और किसकी वजह से होता है, वो विली की वजह से होता है, ठीक है। दिस लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड विनी, इंक्रीज द सरफेस एरिया आर द हेल्प एब्जॉर्प्शन, जो कि एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स कहाँ होता है, हमारे ब्लड में, ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा आर वेरी स्मॉल सेल विच हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग। देखो कई बार आपके जो चोट लग जाती है तो थोड़े समय के बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स होने के कारण आपका ब्लड क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स नहीं क्या होगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, और फ्लो होने के साथ साथ फिर क्या हो जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सारा बॉडी का ब्लड निकल जाएगा। तो समझ आ गई ना, अगर प्लेटलेट्स नहीं क्या होगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होता रहेगा और डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा आर वेरी स्मॉल सेल विच हेल्प इन द क्लॉटिंग स्टॉप ब्लीडिंग, और इफ़ योर ब्लड वेसल गेट डैमेज इट सेंड आउट द सिग्नल टू द प्लेटलेट्स दैट रश टू द साइट एंड ऑफ इंजरी एंड फॉर्म क्लॉट टू फिक्स द डैमेज, ठीक है। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई सेम दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी चॉइस में जो है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फूड अपना खुद प्रिपेयर करता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, दीज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं और अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इनका सबका यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये तो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते ही नहीं है तो इनको क्या ज़रूरत है। ग्रीन प्लांट्स और कुछ एल्गीज़ है, ब्लू ग्रीन एल्गी
एलर्गीज़ है वो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन करती हैं और कुछ बैक्टीरिया और फंगस जो हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। क्लोरोफिल रिक्वायर है फूड प्रिपरेशन के लिए, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि फूड ही नहीं प्रिपेयर करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एरोबिक मोड ऑफ द रेस्पिरेशन। तो एरोबिक मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन फुल ऑफ होती है, जब आप सांस लो उस टाइम आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो तो वो क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है वो क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और इट टेक प्लेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन सबट्रैक्ट एंड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, जो हमारा फूड होता है, हम खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है और हमारे फूड को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देती है। यहाँ पर पूरा इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती यहाँ पर, है ना। दिस प्रोसेस इज हार्मलेस, ये हार्मलेस होती है और ये क्या होती है, टॉक्सिक होती है इन प्लांट में। इट अक्कर प्रॉपरली साइटोप्लाज्म एंड पार्शली द माइटोकॉन्ड्रिया, ये मतलब साइटोप्लाज्म में होती है और थोड़ा बहुत क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। साइटोप्लाज्म हमारे सेल होती है ना, उसमें होता है, ठीक है। एक सेल, फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल की, वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बाकी सारा साइटोप्लाज्म। ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के बाहर। इट इन्वॉल्व द, इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन किसका होता है, ग्लूकोज का, और फिर क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी। और इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, पूरी तरीके से नहीं होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अल्कोहल होता है और लैक्टिक एसिड बाद में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और कुछ क्या होते हैं, एनर्जी होती है रिलीज। यहाँ पे 38 ATP, जो एनर्जी होती है ना, हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, वो ATP की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज फॉर्म ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बेसिस देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी है, आपको फिजिकल केमिकल दोनों अच्छे से करनी है। फर्स्ट नेचर ऑफ ऑक्साइड अगर देखते हैं, तो ऑक्साइड ऑफ द मेटल जनरली बेसिक, याद रखना मेटल हमेशा क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, हमेशा एसिडिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दे रखा है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, जो कि एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी नेचर में होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर क्या होता है, मेटल नॉर्मली फॉर्म द कैटायन बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस मीन्स दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब ये क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम ले लेते हैं मेटल, ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, किसी और को दे देगा, मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है और कैटायन होता है। और नॉन मेटल क्या होता है, एनायन होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। कैसे, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का है 17, ठीक है। अभी इतना डीपली तो समझाने का टाइम है नहीं, अगर आपने पहले से चैप्टर नहीं समझा तो शायद आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, पर आपने शुरू से समझा होगा तो मैं जो बोल रही हूँ आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का 17 और 2, 8 और 7, इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, एक्शन विद डिल्यूट एसिड, तो मेटल जो है डिल्यूट एसिड के साथ एक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, और नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है डिल्यूट एसिड के साथ। नेचर ऑफ कंपाउंड, द कंपाउंड ऑफ द मेटल आर मोस्टली आयोनिक नेचर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है इसके पास होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं ये, और ये नॉन मेटल क्या होते हैं, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। कोवलेंट मीन्स एक दूसरे के शेयर से काम चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन, मेटल जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये एटम क्या करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का। देखो ऐसे ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और नॉन मेटल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये एटम एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि क्लोरीन मैंने आपको बताया था, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। चलो इसकी चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, वायनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेड फॉर्मली। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं आपको बताना है, और ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशन में क्यों कंडक्ट करते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि हम NaCl की बात कर लेते, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक के पास प्लस है एक के पास माइनस है, तो इनको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड, ठीक है।
तो एन आयनिक कंपाउंड इज ए केमिकली कंपाउंड ऑफ आयन हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्स कॉल आयनिक कंपाउंड। ये एक फोर्स के साथ आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? ये उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो इसमें एक फोर्स लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड इज ओवरऑल न्यूट्रल एंड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आयन कॉल कैटायन। जिसके पास पॉजिटिव होता है उसको कैटायन बोलते हैं, जिसके पास नेगेटिव होता है उसको अनायन बोलते हैं, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज मोल्टन स्टेट एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज आर फ्री टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो क्या होगा, अगर उसके पास पॉजिटिव होगा तभी एक जगह से दूसरी जगह पे वो छोड़ पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और वो क्या होगा तो जो है सॉलिड में नहीं हो पाएगा, जो कि फिक्स है कि अगर उसको जो है लिक्विड होगा तभी वो हाइड्रोजन आयन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करता है कि आयनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड एज देयर आयन आर हेल्ड इन फिक्स पोजीशन कैन नॉट मूव। अगर सॉलिड जो है एक जगह है और फिक्स पोजीशन में है और वहाँ से नहीं मूव कर रहा है तो वो उसमें से आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, व्हाट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेरिएशन क्या होता है, एक लंबे समय के बाद जब लिविंग थिंग्स में कोई चेंजेस आ जाता है उसको वेरिएशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, उनको सीड से नहीं हमें ग्रोथ करनी, हम उनके स्टेम से, उनके लीव से, ठीक है, उन पार्ट से उनको नया प्लांट ग्रो करें, वो वेजिटेशन होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प ए स्पीसीज टू रेसिस्टेंस ए डिजीज़। मतलब बीमारी से बचने के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। और इट हेल्प ए स्पीसीज टू सर्वाइव, ये स्पीसीज़ को सर्वाइव करने, जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो गर्मी में अगर हम सर्वाइव कर जाएंगे फिर तो ठीक है, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तो मुश्किल है, ठीक है। वेरिएशन हेल्प डिटरमाइन द आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता है। इट हेल्प टू अडॉप्ट एनवायरमेंट एंड चेंज विद अकर इन एनवायरमेंट, इट आल्सो हेल्प इन स्पीसीज टू इमर्ज, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू प्लांट जो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट से, लाइक लीव्स, रूट, ठीक है, स्टेम, इनसे होते हैं, इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस। तो पॉलिनेशन प्लांट्स में होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द अनदर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब अनदर स्टेमन और स्टिग्मा के कार्पल्स आपस में फ्यूज होंगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन ज्वाइन विद द फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इट टेक प्लेस बाय वेरिएशन पॉलिनेशन एजेंट, ये क्या होता है, वेरियस पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा होता है। जैसे कि हवा चलती है तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चला गया पोलन ग्रेन, ठीक है, कोई इंसेक्ट बैठा वो अपने पंजों में लेके चला गया, ठीक है, इस तरीके से। इट टेक प्लेस नेचुरली, ये नेचुरली आर्टिफिशियल, ठीक है। इट कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सच एज द एयर, वाटर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, जो कि अभी मैंने आपको बताया। और ये क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है। नेक्स्ट है चेंजेस ऑफ गर्ल्स इन प्यूबर्टी टाइम, हेयर ग्रोथ जेंटली एरिया में, ठीक है। और ये क्वेश्चन दो जो है शॉर्ट में भी था, मैं वहाँ बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे फटाफट हम रीड कर देते हैं। मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, हिप ब्रॉड हो जाते हैं, मैमरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है, ओवरी स्टार्ट हो जाती है, ओवरी जो है स्टार्ट टू रिलीज एग कर देती है, इंक्रीज हो जाता है यूट्रस और ओवरी, ठीक है, साइज में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ पड़ी है।